नमस्कार बच्चों, कक्षा दो के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं हिंदी व्याकरण से पाठ पांच वाक्य पढ़ने के लिए। जी हाँ बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं हिंदी व्याकरण से पाठ पांच। पाठ का नाम है वाक्य। ठीक है, तो आप अपनी हिंदी लैंग्वेज बुक, हिंदी व्याकरण बुक आमोद निकालिए और देखिए उसमें पाठ पांच वाक्य पेज नंबर 24 पे दिया गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सबसे पहला पाठ हिंदी व्याकरण में पढ़ाया गया भाषा लिपि और व्याकरण। भाषा लिपि और व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा पाठ आपका जो है वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दी गई। ऐसे ही तीसरा पाठ मात्राएं, मात्रा किसे कहते हैं, मात्राएं कैसे बनती हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी दी गई। और चौथे पाठ में शब्द, जो आपको अभी पिछले ही दिन पढ़ाया गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों वाक्य। आप लोग ध्यान से देखिए कितना अच्छा क्रम चल रहा है आपका। सबसे पहले आपको भाषा, फिर लिपि, फिर व्याकरण पढ़ाया गया, उसके बाद वर्ण, फिर मात्रा, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। तो एक एक चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात हमारी समझ में आ रही है बच्चों? आपका एक एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप ध्यान में रखकर हर एक आगे वाले चैप्टर को पढ़ते रहेंगे और आगे वाले चैप्टर के साथ पीछे के जो चैप्टर हैं, पीछे के जो पाठ हैं, उनकी पुनरावृत्ति आप लोग करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपका दिमाग में वो सारी चीज़ें बनी रहें। ठीक है, आप भूलें ना, उसमें जो भी प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, जो भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत जो भी दिया गया है, आप उनको एक बार, दिन में एक बार जरूर रिवीजन करें। ठीक है, वो चाहे हिंदी लिटरेचर का हो और चाहे लैंग्वेज का। तो बात हमारी समझ में आ रही बच्चों? जी हाँ, इस प्रकार से आपके जो भी पीछे के चैप्टर हैं उनको एक बार ध्यान में रख करके ये पाठ पांच वाक्य पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्य। सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो हर एक पाठ से जुड़ा हुआ रहता है। बात हमारी समझ में आ रही है? जैसे भाषा आपको पहले पढ़ाया गया, तो भाषा को जानना बहुत ही जरूरी था सबसे पहले, कि वास्तव में भाषा क्या है। बिना भाषा के हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी लिख ही नहीं सकते। ठीक है, जो हम बोलेंगे वो क्या है, भाषा है। तो जब हमें भाषा का ही ज्ञान नहीं रहेगा, भाषा की जानकारी नहीं होगी, तो हम आगे के चैप्टर, आगे के पाठ कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहले भाषा, उसके बाद उसकी लिपि पढ़ाई गई कि उसको किस तरह हम लिखेंगे, लिखने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसे ही लिपि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको व्याकरण बताया गया कि शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना हम सीखें। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ण, वर्णों की बनावट, वर्णों की आकार, वर्णों के भेद प्रकार, सब कुछ। ठीक है, उसके बाद मात्रा, स्वरों से मात्राएं बनती हैं। ठीक है, जो स्वर का रूप बदला हुआ रहता है उन्हें ही मात्रा कहते हैं। तो उसके बाद शब्द आपको पढ़ाया गया, शब्द का निर्माण कैसे होता है, वर्ण से शब्द का निर्माण होता है, छोटे छोटे ही वर्णों से, एक वर्ण, दो वर्ण, एक दो या उससे भी अधिक वर्ण मिल करके शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं वाक्य। ठीक है बच्चों, वाक्य पढ़ने चल रहे हैं, तो सबसे पहले जानना यहाँ पे ये जरूरी है कि आपको शब्द पता है कि नहीं पता है। आपको जो पिछली क्लास में शब्द पाठ पढ़ाया गया, उसका ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग वाक्य पढ़ने चल रहे हैं, तो आइए हम आपको सीधे सीधे बताते हैं, ताकि आपको एकदम बहुत ही जल्द समझ में आ जाए। ठीक है, आपको वर्ण पढ़ाया गया, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी मूल ध्वनि, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई, वर्णों के मेल से ही, ठीक है,
शब्द बनते हैं। सार्थक वर्णों के मेल से आपको बताया गया कि शब्दों का निर्माण होता है जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो। ठीक इसी प्रकार से वाक्य है, वाक्य जो है शब्दों से ही बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के वाक्य की रचना करते हैं, मतलब वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ होगा, कुछ न कुछ मतलब होगा। उससे अर्थ स्पष्ट होगा तभी वह वाक्य कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ है मछलियां। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे लिखा है मछलियां तैर रही हैं, मछलियां तैर रही हैं, और यहां लिखा है बच्चे खेल रहे हैं, राम किताब पढ़ रहा है। यहां पे जो वाक्य लिखे गए हैं वे एक से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए हैं। इन वाक्यों में ये जो शब्दों का समूह है बच्चों, इसमें ढेर सारे शब्द हैं। जैसे आपका हो गया मछलियां तैर रही है, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी शब्द हैं। ठीक है, तो ये सभी शब्द हैं और इन्हीं शब्दों से मिलकर के वाक्य बना हुआ है। ठीक है, जब ये शब्द ढेर सारे मिल जाते हैं और एक निश्चित अर्थ देने लगते हैं तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों, शब्द नहीं कहते हैं, तब हम इन्हें वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा होती है किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा आपको बताई गई है, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले, पूरी तरह प्रकट करने वाले, पूरी तरह दर्शाने वाले, पूरी तरह समझ में आने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एक बार और आप लोग परिभाषा ध्यान से देखिए बच्चों। परिभाषा है किसी भाव या विचार को, किसी भी भाव या विचार को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले, पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को, जैसे यहां पे लिखा गया है, यहां पे लिखा गया मछलियां तैर रही हैं। ठीक है, अगर इनका हम क्रम बिगाड़ दें, ठीक है, तो ये वाक्य नहीं कहा जाएगा। जैसे तैर है, ठीक है, तैर है मछलियां रही, तो ये वाक्यों का क्रम बिगड़ जाएगा, इससे ये अस्पष्ट हो जाएगा इसमें बताया क्या जा रहा है। बात हमारी समझ में आ रही है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, राम किताब पढ़ रहा है, यह वाक्य है। ठीक है, अब यहां पे अगर ये बोला जाए किताब राम रहा है पढ़, तो ये वाक्यों का क्रम उल्टा हो जाएगा, अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे ये वाक्य अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां इसकी परिभाषा इतनी अच्छी आपको बताई गई है कि वाक्य क्या है। किसी भाव या विचार को पूरी तरह स्पष्ट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भी भाव या विचार, जैसे मेरे विचार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मछलियाँ तैर रही हैं, तो मैं जो अपने विचार को प्रकट कर रहा हूँ कुछ शब्दों के द्वारा, मछलियाँ तैर रही हैं इन शब्दों के द्वारा, तो इसमें इसका भाव विचार स्पष्ट हो रहा है, सही सही प्रकट हो रहा है, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम वाक्य कहते हैं। बात हमारी समझ में आ गई बच्चों? जी हाँ। अब आइए बच्चों यहाँ थोड़ा सा कंठस्थ करते हैं, इसको याद करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है अधिक शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही, अधिक शब्दों का व्यवस्थित क्रम ही संपूर्ण अर्थ देता है। यदि वाक्यों का क्रम सही नहीं होता तो वाक्य पूरा नहीं होता है।
ठीक है। अगर व्यवस्थित क्रम में संपूर्ण अर्थ देने वाले अगर शब्द आते हैं बच्चों, तो वाक्य स्पष्ट होता है, वाक्य शुद्ध होता है, ठीक है। और वही अगर सार्थक शब्दों को इधर उधर कर दिया जाए, ठीक है, उनके क्रम को चेंज कर दिया जाए, तो वह वाक्य पूरा ही नहीं होता, ठीक है। देखिए वाक्य के यहां दो अंग बताए गए हैं, वाक्य के दो अंग हैं बच्चों। नंबर वन है आपका उद्देश्य और नंबर टू है विधेय। इनको आप ध्यान से याद कर लीजिए कि वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। इन दोनों को खूब अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिए कि वाक्य के दो ही अंग होते हैं, नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय, ठीक है। आइए देखते हैं अगले पेज में बच्चों, पेज नंबर, आप लोग ध्यान से देखिए, पेज नंबर 25, ठीक है। पेज नंबर 25 में बताया गया कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा बच्चों। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यहां पे बताया जा रहा है आपको कि वाक्य में जो आपका वाक्य होता है बच्चों, जिसके विषय में कहा जाता है, उस वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहां पे दिया गया है श्याम खाना खाता है, तो इस वाक्य में किसके विषय में बताया जा रहा है कि कौन खाना खाता है, श्याम। उत्तर क्या आया, श्याम। जैसे रचना नृत्य करती है अर्थात नाचती है, तो यहां नाचने का कार्य बच्चों कौन कर रहा है, इस वाक्य में किसके विषय में बताया जा रहा है कि कौन नाचता है, तो यहां बताया गया रचना, ठीक है। यहां पे यही आपको बताया गया है बच्चों कि उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, तो यहां श्याम खाना खाता है, श्याम के विषय में बताया जा रहा है कि श्याम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। तो यहां श्याम क्या है बच्चों, यहां श्याम क्या है, आपका उद्देश्य, ठीक है, ये क्या है, उद्देश्य। इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं बच्चों विधेय, विधेय किसे कहते हैं, विधेय क्या होता है। यहां देखिए आप लोग ध्यान से, विधेय दिया गया दूसरे नंबर पे, ठीक है। विधेय, विधेय में बताया गया है कि वाक्य में कर्ता और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, उद्देश्य का मतलब है, उद्देश्य का मतलब यह है कि अभी आपको बताया गया कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है अर्थात वही कर्ता, उसी के विषय में कहा जाता है, ठीक है, वही क्या होगा, विधेय, वही उद्देश्य है। और यहां आपको यह बताया जा रहा है कि वाक्य में कर्ता और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण यहां दिया गया, गीता गाती है, उदाहरण क्या बच्चों, गीता गाती है, तो यहां पे गाने का कार्य कौन कर रहा है, गीता, तो गीता क्या है बच्चों, गीता आपका हो गया उद्देश्य। यहां पे यही बताया गया है कि वाक्य में जिसके विषय में कार्य होता है, ठीक है, जिसके विषय में कार्य होता है, तो गीता के विषय में कार्य हो रहा है, गीता के लिए ही है, या यहां पे ये बोला गया है कर्ता, जो कर्ता होता है अर्थात कार्य करने वाला ही उद्देश्य होता है, अर्थात नाच कौन रहा है या गाती, गा कौन रहा है, गीता, तो गीता क्या है, उद्देश्य है। अब गीता के विषय में अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है, तो उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है, गाती है, ठीक है, यहां पे क्या बताया गया उद्देश्य के विषय में कि गाती है, तो गाती है जो यहां पे ये आपका वाक्यांश बचा, जो भी शब्द बचा यहां पे, वो सब क्या हो जाएगा बच्चों, विधेय हो जाएगा। बात हमारी समझ में आ रही है, जैसे यहां अगले उदाहरण में आप लोग समझने का प्रयास करिए,
जैसे यहाँ पे दिया गया श्याम विद्यालय जाता है, ठीक है, श्याम विद्यालय जाता है, कौन जाता है बच्चों, श्याम। तो श्याम क्या हो गया, विधेय, श्याम सॉरी श्याम उद्देश्य हो गया, और श्याम के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है विद्यालय जाता है, ठीक है, इतना ये आपका क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक है। यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक है बच्चों, बात हमारी समझ में आ गई, जी हाँ। तो आपको वाक्य के विषय में बताया गया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं आपको पता चला बच्चों, उद्देश्य किसे कहते हैं, आप उद्देश्य को याद कर लीजिए। विधेय किसे कहते हैं आपको बताया गया, ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पाठ में आज के लिए इतना ही है बच्चों, समझाने के लिए, बाकी और भी हैं, अभ्यास कार्य में हम लोग चलते हैं। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है, कोई परिभाषा, कोई उद्देश्य, विधेय, उदाहरण या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे अभ्यास कार्य की ओर, चलिए देखते हैं बच्चों अभ्यास कार्य में क्या दिया गया है। अभ्यास कार्य में आपको कुछ प्रश्नोत्तर बताए गए हैं, प्रश्नोत्तर तो आपको पता ही है बच्चों कि हम पीडीएफ में सेंड करते हैं, एक बार प्रश्नोत्तर आपको खुद से करने होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर दिया गया है, पहला प्रश्न है बच्चों वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य अभी भी आपको बताया गया, तो आप अच्छे ढंग से इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वाक्य किसे कहते हैं इसको आप लोग लिख लेंगे एक बार रफ कॉपी में, उसके बाद जो भी हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे उससे आप क्रॉस चेक करेंगे और मैच करेंगे, अगर आपका सही है तो आप फेयर कॉपी में सुंदर लेख के साथ, सुंदर लिखावट के साथ, पेंसिल से साफ सुथरे राइटिंग में आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं, दूसरा है वाक्य के कितने अंग होते हैं, तीसरा है उद्देश्य किसे कहते हैं, चौथा है विधेय किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगले अभ्यास कार्य को, यहाँ पे दिया गया है, दूसरा है दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य अलग करके लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है बच्चों, जैसे ये सभी वाक्य हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी वाक्य दिए गए हैं इन सभी वाक्यों से उद्देश्य को अलग करके यहाँ पे लिखना है इसके सामने, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चों उद्देश्य इसमें क्या है। जैसे आपका पहला वाक्य है, पहला वाक्य क्या है बच्चों, अध्यापिका लिखती है, अध्यापिका लिखती है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है बच्चों, यस आपको बताया गया, आपको पढ़ाया गया, देखिए कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, ठीक है, जी हाँ। तो आपको अभी अभी बताया गया कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ अध्यापिका लिखती हैं, तो अध्यापिका के विषय में बताया जा रहा है कि कौन लिखता है, अध्यापिका लिखती हैं, तो अध्यापिका आपका क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, तो आप लोग अध्यापिका को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा है टोपी सिर पर है, टोपी सिर पर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टोपी के विषय में बताया जा रहा है बच्चों, टोपी के विषय में बताया जा रहा है कि टोपी सिर पर है, अर्थात टोपी शब्द आपका जो है बच्चों ये करता है, कार्य करने वाला, टोपी कहाँ है, सिर पर है, ठीक है, क्या सिर पर है, टोपी, ठीक है। तो टोपी यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है बच्चों, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे ही तीसरा है मोर नाश्ता है, मोर नाश्ता में आप लोग समझ ही रहे हैं बच्चों, यस मोर शब्द आपका उद्देश्य है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। गाय घास चरती है, अर्थात कौन कार्य कर रहा है बच्चों, गाय, ठीक है, तो आप गाय को यहाँ पे लिख लेंगे, गाय आपका उद्देश्य है, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो दिया गया है, जैसे राम दौड़ता है, तो दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है बच्चों, राम, तो राम आपका उद्देश्य है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न में बताया गया है दिए गए
वाक्यों में सही शब्दों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं बच्चों, आपको क्या करना है, इन वाक्यों में से जो आपके सही शब्द हैं उन पे ही सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है, वाक्य के दो या चार अंग होते हैं। तो आपको भी बताया गया कि वाक्य के दो ही अंग होते हैं, तो आप पहले वाले वाक्य में आप टिक करेंगे, ठीक है। दूसरा वाक्य है, सार्थक शब्दों का समूह शब्द या वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का समूह शब्द या वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे जो दो वाक्य दिए गए हैं दूसरे में, ख में, इसमें पूछा गया है आपसे कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो इसमें से आपका दूसरा वाक्य सही है, क्योंकि सार्थक शब्दों का समूह शब्द नहीं कहलाता, वो वाक्य ही कहलाता है। तो दूसरा वाक्य आपका सही है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कर्ता के विषय में कही गई बातों को विधेय या उद्देश्य कहते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि जो भी कर्ता के विषय में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका दूसरा वाक्य सही है, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे और आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको लिखेंगे, याद करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला है, अगला प्रश्न दिया गया कि दिए गए वाक्यों में से विधेय अलग करके लिखिए। दिए गए वाक्यों में से विधेय अलग करके लिखिए, उसमें आपको उद्देश्य लिखना था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको विधेय अलग करके लिखना है, ठीक है। तो पहला वाक्य है, माली पानी डालता है। अब मुझे उद्देश्य को छोड़ करके जो कुछ भी बच रहा है वो सभी क्या है बच्चों, विधेय है, और विधेय को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है, माली पानी डालता है, अर्थात कौन पानी डालता है, माली। माली के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि माली पानी डालता है, तो माली क्या हो गया, करता है। तो माली उद्देश्य है आपका, और यहाँ पे पूछा जा रहा है विधेय, यहाँ पे विधेय पूछा जा रहा है। तो पानी डालता है, उद्देश्य को छोड़ करके जो कुछ भी बच रहा है वो सभी विधेय है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, पानी डालता है, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे विधेय। ऐसे ही बतख तैर रही है, बतख तैर रही है, ठीक है। तो यहाँ बतख को छोड़ करके तैर रही है, ये आपका विधेय हो गया, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अगला है, राम क्रिकेट खेलता है। तो राम आपका उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या बच्चों, क्रिकेट खेलता है, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगला है, सुमन गाना गाती है। सुमन गाना गाती है, तो सुमन आपका उद्देश्य हो गया, और गाती है क्या हो गया, गाना गाती है, ये आपका विधेय हो गया, ठीक है। ऐसे ही लड़का पढ़ता है, तो लड़का यहाँ पे उद्देश्य है, और पढ़ता है क्या है बच्चों, विधेय है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, अच्छी लिखावट के साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बस इतना ही आपका अभ्यास कार्य है। तो अभी आपको बताया गया वाक्य पाठ, पांच वाक्य का आप लोग पाठन कर लेंगे, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, एक एक शब्द शब्द को पढ़ लेंगे, परिभाषा उदाहरण जो भी दिया गया है सही ढंग से पढ़ने के बाद इन अभ्यास कार्यों को करने का प्रयास कर PDF में सेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी अभ्यास कार्य में आपको बताया गया उसको अच्छे ढंग से आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, और अच्छे ढंग से याद कर लेंगे, ओके। बाकी पाठ का पाठन करना आप लोग नहीं भूलेंगे, चाहे वो हिंदी लिटरेचर का हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज का हो, चाहे वो पिछला चैप्टर हो, चाहे आगे के चैप्टर हो, ठीक है, उनको आप पाठन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ओके। धन्यवाद बच्चों।